क्या हो गया, भीड़ क्यों लगी है? एक्सीडेंट एक्सीडेंट हो गया लग रहा है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7 बज रहा है और अभी हम लोग मार्केट के सामने बैठे हैं, ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। तो दिखाते हैं आपको कि आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाया मम्मी ने। तो अभी ब्रेकफास्ट में है बादाम, पिन खजूर और चने, और ये रहा चने का सत्तू। अगर आप जानते हैं तो आपको पता है कि सत्तू बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, मेरा फेवरेट भी है। और यहाँ सामने मार्केट चल रही है, तो आज देख रहे हैं कि मार्केट में ऊपर जानी है कि नीचे जानी है। अब अगर आज मार्केट बढ़िया चली या फिर ट्रेंड का पता चल गया तो आज एक रेट लगेगी। यार सत्तू में शक्कर नहीं, हम भूल गए शक्कर डालना। ओहो, वही वही बहुत बुरा लग रहा है, चने जैसा जला हुआ चना लग रहा है। और डालिए वही वही, ये शक्कर में सत्तू नहीं, सॉरी सत्तू में शक्कर नहीं है यार, बड़ा अजीब लग रहा है ये। बस विंडो में सब कुछ बढ़िया होता है, ये चीज़ बहुत ख़राब होती है। आप एकदम से काम कर रहे हो और आपका ये लैपटॉप अचानक अपने आप डिस्चार्ज हो जाए, अपडेट होने लगे, बस ये चीज़ हमें बहुत ख़राब लगती है। मतलब हम देख रहे थे कि यार मार्केट को एनालाइज हम कर रहे थे, ये देखिए क्या हो गया। मतलब अगर बंदा कोई अपना इंपॉर्टेंट काम कर रहा हो तो पहले इसको झेले, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट काम करें। ये क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो बाद में भी हो जाएगा। एप्पल में बस यही चीज़ है कि ये सब नहीं होता फालतू काम, विंडो में बहुत ज़्यादा होता है। और ये आधा घंटा होने को आ रहा है, ये अभी तक नहीं खुला, ये प्लीज कीप योर कंप्यूटर ऑन। कब तक? अब फाइनली 45 मिनट के बाद यहाँ पे कीप योर कंप्यूटर ऑन लिख के हट गया है। अब देखिए, चलिए 45 मिनट के बाद खुला। माइक्रोसॉफ्ट वाले भी समझ गए भैया, ये यूट्यूब पे हमारी बेइज्जती कर रहा है, इसका लैपटॉप जल्दी से खोल दो। ऑब्वियस की बात है यार, 45 मिनट के बाद मेरे लैपटॉप खुला पूरा अपडेट करके, इतना टाइम कौन लेता भैया। चलो जो है तो है, खुल गया। और वो विंडो 11 का अपडेट आया था, उसी के लिए विंडो 11 का अपडेट आया था, इसीलिए वो अपडेट हो रहा था। लेकिन 45 मिनट मम्मी बना रही है रोटी, लेकिन रोटी आज नहीं बन रही है, आज कुछ स्पेशल बन रहा है। क्या बन रहा है मम्मी बताइए? इडली। आज मम्मी इडली बना रही हैं, लेकिन रोटी किसके लिए बना रही है? कौन है जो रोटी खा रहा है इडली की जगह पे? पापा जी नहीं खाएंगे इडली? अच्छा, इडली में टाइम लगेगा तो पापा जी रोटी खा के पेट भर के अभी जा रहे हैं, फिर आके इडली खाएंगे। आज हम लोगों को आज इडली खाने को मिलेगी, और इडली मेरी फेवरेट है, रोटी छोड़कर सब कुछ फेवरेट है। अच्छा, एक बात की खुशी हमें इस बात की है कि मेरे ब्लॉग चैनल बनाने से बहुत सारे लोगों को ब्लॉग में इंटरेस्ट आ रहा है, और वो लोग भी मतलब बहुत सारे, क्या छोटे छोटे बच्चे भी आजकल ब्लॉग बना रहे हैं, कैमरे के सामने अपने टैलेंट को दिखा रहे हैं। तो कल जो हमने नवाज को जो हमने ब्लॉग में लिया था, तो उसका भी मेरे पास छोटा सा ब्लॉग है, उसने भी एक ब्लॉग बनाया है। अभी हमने आपको बताया था सीमांत के जो सबसे छोटा वाला लड़का है, वो भी ब्लॉग बनाने लगा है, मतलब यूट्यूब पर नहीं डाला मगर ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहा है। और अभी जो नवाज को कल हमने दिखाया था, हमारी नाहिद पुप्पी का जो छोटा वाला लड़का है, वो भी ब्लॉग बनाने के मेरे पास की क्लिप होगी, तो हम इसमें डालेंगे, आपको दिखाएंगे और मम्मी बताएंगे कि क्या बोल रहा था वो अपने ब्लॉग में। हेलो गाइस, मेरी नंद का बेटा है, छोटा है, अभी 5 साल का है। आप लोगों ने आमिर के चैनल में देखा होगा कि उसने एक ब्लॉग अपना खुद बनाया है, आमिर का चैनल देख के उसने एक अपना ब्लॉग बनाया है। उसमें बोल रहा है मैंने एक ब्लॉग बनाया है जिसमें 2008 में, जबकि वो 8 में हमारी नंद की शादी भी नहीं हुई थी। और फिर मेरी नंद ने उससे बोला कि तुम तो 8 में मेरी शादी भी नहीं थी, तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे। तो फट से बोला कि हेलो गाइस, वो मैं ऐसा करिए, ये वाले ब्लॉग को आप भूल जाइए भूल जाइए, क्योंकि मेरी मम्मा कह रही है कि मैं पैदा ही नहीं हुआ था, तो आप ये वाले ब्लॉग को भूल जाइए। कहले वो बहुत बोलता है, देखिएगा अभी हम अबकी बार वो आएगा तो हम उसको फिर उसको अपने चैनल पे लेंगे। मेरे पास उसकी ब्लॉग की क्लिप है, अगर होगी मेरे पास हम मंगवा लेंगे, अगर मेरे पास आ जाएगी तो हम इस ब्लॉग में जरूर डालेंगे। तो ऐसे ही छोटे बच्चे इंस्पायर हों, और भले ही यूट्यूब पे डालें या ना डालें, मगर कैमरे के सामने बोलना भी एक बहुत बड़ी स्किल है, बहुत बड़ी कला है। तो पब्लिक में बोलने में और कैमरे में बोलने में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप कैमरे में भी बोल लेते ना, तो
फिर तो आप कहीं भी बोल देंगे, जाके आपको कोई रोक नहीं पाएगा। अभी कहीं जाने का प्लान बन रहा है पापा जी के साथ, तो जल्दी पे रेडी हो जाते हैं। तो अभी रेडी हो चुके हैं, अब जा रहे हैं गाड़ी निकालने और यम बार बार हरे की पहन लेते हैं। चलिए अब पहन लिया तो पहन ही लिया। धूप कितनी आंटी? सर्दी का मौसम है ना। नहीं वाकई में धूप बहुत तेज आंटी, देख रही बहुत तेज है, अच्छा लग रहा है, हवा भी चल रही है। हाँ नहीं कहीं जा रहे पापा जी सर, अभी आ रहे। ठीक है रुमा आंटी, बिल्कुल टाइम भरती है अपने ब्लॉग में, अगर एक मिनट भी लेट हो जाती ना तो शायद ब्लॉग में ना आ पाती है। और जैसे ही हमने निकले गाड़ी निकालने के लिए वैसे ही पीछे से आ गई। चलिए अच्छी बात है, फैमिली ब्लॉग है, हर किसी को आना चाहिए। चलते हैं गाड़ी निकालते हैं, फिर वहां का भी दिखाते हैं आपको। लोकेशन पे पहुंच गया, अब जा रहे हैं सारा काम करके, फिर आपसे बात करते हैं। तो अभी सारा काम हम खत्म करके घर की तरफ जा रहे हैं, और आज का दिन बहुत अच्छा रहा, पापा जी के साथ लाइव कर रहे हैं। तो अभी घर की तरफ जा रहे हैं, आज बढ़िया आइसक्रीम वाइसक्रीम खाई है। तो अभी हम लोग घर पे आ गए हैं, मम्मी ने इडली बनाई है, अब हम लोग जा रहे हैं इडली खाने। और मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया, अरे पहले मोबाइल का रिचार्ज करते हैं। और मम्मी कैसा लगा इडली बना के, इतने दिनों के बाद इडली बनाई है साउथ इंडियन केम क्यों तो। और आपने इतने दिनों के बाद बनाई, मम्मी को जब भी मन करता है डोसा बना देती, इडली कभी नहीं बनाती। डोसा का बन रहा अब नहीं, रसगुल्ला, रसगुल्ला का बन रहा क्या रखे? कच्ची इडली। अरे शाबाश, कच्ची इडली है ये, अभी और बनेगी क्या? सामान को फ्राई करते, चलो सामान को फ्राई करिएगा। मतलब आज पूरे मन भर के जितनी खानी हो ना इडली सब खा जाओ। मम्मी का ये क्राइटेरिया है कि एक बार बनाती हैं, भर के बना देती हैं, खाओ मन भर के खा लो, फिर साल भर भूल जाओ। साल भर तो बहुत भूल जाओ, साल भर तो बड़ा भूल रहे। हाँ ऐसे ऐसे खाओ। नहीं चम्मच नहीं, हाथ से खाते। हाथ से वो पोछना है ना? नहीं नहीं पोछेंगे, देसी स्टाइल अपनी। हाँ ये चल रहा अपना एसी वीडियो, और ये हम बैठ के यहाँ पे जान ये लोग गिरा दिया। मम्मी ने देखा जल्दी जल्दी चली, मम्मी देख लेते हैं बैंड बज जाती। ये बात तो पक्की है कि मम्मी बनाते 100 साल में एक बार है, मगर जब बनाते हैं ना तो मज़ा आ जाता है यार। इतनी गजब की इडली बनी है, इतनी गजब की बनी है कि क्या बाहर खाएंगे। बाहर हमने ऐसे खाई नहीं है यार, बाहर तो पता नहीं क्या सूखे सूखे बना लेते हैं, सांभर के साथ चावल खा रहे हो, सांभर के साथ चावल खा लो, मगर यहाँ पर ये फ्राई एकदम फ्राई करके मसाले के साथ इडली दी है, ये चटनी है, रायता हमने लिया नहीं। शाबाश 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 ये। मम्मी लोगों को बहुत बड़ी अचीवमेंट मिलती है, खुद नहीं खाएंगी मगर पूरे परिवार ने खाई और उनको अच्छी लगी, उनके लिए एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं इसे, मेडल, सम्मान, बहुत बड़ा सम्मान हो जाता है। मम्मी लोग छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाती हैं।